Hello friends, now that we have learned how to create a basic topology in Cisco Packet Tracer, ab hum routing protocols ke bare mein discuss karenge. This video will tell you about static routing using Cisco Packet Tracer. Firstly, main types of routing protocols discuss karunga. Routing protocols do type ke hote hain, static and dynamic. Static routing protocol automatically network discover nahi karte. We have to tell them about the remote networks. Whereas dynamic routing protocols like RIP version 1 and RIP version 2 remote networks khud se hi discover kar lete hain aur routing tables generate karte hain. Static routing hum is topology pe apply karenge. As we can see, there are 5 networks in here. Sabse pehle 2 wide area networks hain aur 3 local area networks hain. Now, in as you can see, in routers or PCs ki IP address set ho chuki hai. So let us start with the static routing. Iske liye aap CLI pe jaye. Iske global configuration mode pe jaye. Yahan se hum static routing configure kar sakte hain. For that, let us start with the IP root command. IP root command हमें रिमोट नेटवर्क की नेटवर्क एड्रेस, उसका सबनेट मास्क और उसका नेक्स्ट हॉप डिसाइड करने को हेल्प करता है. आईपी रूट कमांड यूज करने के लिए फर्स्टली हम रिमोट नेटवर्क की नेटवर्क एड्रेस टाइप करते हैं. लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द रिमोट नेटवर्क्स एंड डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स. राउटर जीरो के लिए 10 और 11 नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और 13, 12 और 14 नेटवर्क्स रिमोटली कनेक्टेड हैं. राउटर 1 के लिए 11, 13 और 12 नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और 10 और 14 नेटवर्क रिमोटली कनेक्टेड हैं. नाउ सो मूविंग टू आवर राउटर 0, इसके लिए पहला रिमोटली कनेक्टेड नेटवर्क है 12.0.0.0. सो इसका आईपी एड्रेस टाइप करें, सेट द डिफॉल्ट द सबनेट मास्क एंड नाउ द नेक्स्ट हॉप. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट हॉप्स. जब एक पैकेट एक राउटर से दूसरे राउटर पे जाता है तो हम उसे एक हॉप कहते हैं. नंबर ऑफ हॉप्स को हॉप काउंट कहते हैं. हॉप काउंट के बारे में हम CCNA सिलेबस में और भी डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ फर्स्टली राउटर 0 पे जाएं. इसके लिए नेक्स्ट हॉप ये वाला इंटरफेस होगा. वी सी इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस दैट इज सीरियल 0x0x0 का आईपी एड्रेस 11.0.0.2 है. सो इसका आईपी एड्रेस सेट करें. अब सेकेंड रिमोट नेटवर्क राउटर 0 के लिए 13 नेटवर्क है. इसके लिए सेम कमांड यूज करें, नेटवर्क एड्रेस स्पेसिफाई करें और सबनेट मास्क स्पेसिफाई करें. अब ध्यान रखें कि यहां से जो पैकेट है वो इस तरफ जाने के लिए इसका नेक्स्ट हॉप हमेशा 11.0.0.2 ही होगा. दैट इज व्हाई द नेक्स्ट हॉप इन दिस केस रिमेन्स अनचेंज्ड. थर्ड रिमोट नेटवर्क एंटर करें. सबनेट मास्क स्पेसिफाई करें नाउ. स्टैटिक राउटिंग राउटर 0 के लिए कंप्लीट हो चुकी है.
अब हम राउटर वन पे जाएंगे। राउटर वन पे जाके कॉन्फ़िगर पे जाएं, जीयूआई के थ्रू हम स्टैटिक राउटिंग सेट कर सकते हैं। स्टैटिक बटन क्लिक करें, आप यहां पे इक्विवेलेंट आईओएस कमांड्स देख सकते हैं। नाउ राउटर वन के लिए रिमोट नेटवर्क्स 10 और 14 हैं। सो सबसे पहले नेटवर्क एड्रेस डालें, फिर इसका सबनेट मास्क डालें। अब राउटर 10 नेटवर्क 10 के लिए नेक्स्ट हॉप राउटर 1 से ये वाला पोर्ट होगा, इस पोर्ट की वैल्यू 11.0.0.1 है। सो नेक्स्ट हॉप सेट करें, दैट इज 11.0.0.1 ऐड करें। यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ऐड हो चुका है और यहाँ पे इक्विवेलेंट आईओएस कमांड सेट हो चुकी है। नाउ दूसरा नेटवर्क ऐड करें, दैट इज 14.0.0.0 एंड नेट मास्क द सेम। इसके लिए नेक्स्ट हॉप एज यू कैन सी 13.0.0.2 होगा। यहाँ पे नेक्स्ट हॉप एडिट करें, इसे ऐड करें। यू कैन सी ये ऐड हो चुका है। सिमिलरली गो टू राउटर टू, इसके कॉन्फ़िग पे जाएं और स्टैटिक पे क्लिक करें। राउटर टू के लिए रिमोट नेटवर्क्स 3 है, दैट इज 10, 11 एंड 12। सो नेटवर्क पे जाएं और फर्स्ट रिमोट नेटवर्क एंटर करें, मास्क सेट करें और नेक्स्ट हॉप सेट करें। ध्यान रखें कि राउटर 2 के लिए नेक्स्ट हॉप ये वाला इंटरफेस है, दैट इज दिस इंटरफेस इज सीरियल 0x0x1 विच इज 13.0.0.1। सो राउटर 2 पे जाएं और नेक्स्ट हॉप सेट करें, दैट इज 13.0.0.1। अब इसे ऐड करें। इसके बाद नेक्स्ट रिमोट नेटवर्क ऐड करें, दैट इज 11, इसका नेक्स्ट हॉप सेम होगा, ऐड करें एंड देन फाइनली रिमोट नेटवर्क 12 ऐड करें। हमारी स्टैटिक राउटर की कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो चुकी है। अब हमें अपनी टोपोलॉजी टेस्ट करनी है। ऐसा करने के लिए हम पैकेट्स सेंड और रिसीव कर सकते हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर हमें इस बटन से ये फीचर अवेलेबल कराता है। इस बटन को दबाकर इस कंप्यूटर से जिस कंप्यूटर पे आपको पैकेट भेजना है वहां पर ये पैकेट क्लिक करें। यू सी हियर इट इज, इट सेज दैट आईसीएमपी इज सक्सेसफुल। सो दिस रूट इज वर्किंग। नाउ पीसी वन से पीसी टू को पैकेट भेजें, दिस इज सक्सेसफुल एज वेल। एंड देन पीसी जीरो से पीसी टू को पैकेट भेजें, यू सी इट इज सक्सेसफुल एज वेल। सो अगर आपका पैकेट फर्स्ट टाइम में डिलीवर नहीं होता है सो घबराए नहीं। सिस्को पैकेट ट्रेसर में एक कॉमन फीचर है कि फर्स्ट ट्रांसमिशन में स्टेटस फेल आता है, इसके बाद आप सेकेंड ट्रांसमिशन करके देखें, आपका ट्रांसमिशन सक्सेसफुल आएगा। और अगर वैसा नहीं होता देन यू check your topology again, they must be having some mistakes. Now we have learned static routing. In the next edition we will learn about dynamic routing. For that keep tuned in with Network Hub. Thank you.